फैमिली कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग करने वाले हैं डीएम, कल रात को आपके बारे में क्या सोच रहे थे। तो अगर आपके डीएम मैरिड है तो क्या सोच रहे थे, सिंगल है तो क्या सोच रहे थे कल रात को, ठीक है। क्योंकि डीएम बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं रात को, तो रात पे ही फोकस करते हैं। और ये डेक भी मैं यूज़ करूँगी उसके लिए, और देखेंगे गाइस कि आपके डीएम आपके बारे में कल रात को क्या सोच रहे थे। आई वॉज नॉट गाइडेड गाइज टू टेक दैट कार्ड, और हर्मिट का भी पूरा लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा गाइज मेरे चैनल को। और अगर आप लोग पर्सनल हीलिंग रीडिंग या जो कुछ भी लेना चाहते हैं तो आप लोग मुझे पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो देख लेते हैं गाइज, अगर आप के डीएम मैरिड है तो कल रात को आपके बारे में क्या सोच रहे थे, ठीक है। अरे अरे अरे, मैरिड है तो टू ऑफ कप सोच रहे थे वो आपके बारे में, वैसे प्यार करते हैं वो आपसे ये सोच रहे थे। और फिर हम इसकी क्लैरिटी करेंगे इस डेक से, ठीक है गाइस। तो सबसे पहले मून, अननोन से बहुत ज़्यादा डरते हैं डीएम, और अननोन ही निकल कर आ रहा है। तो देखते हैं क्या है। अगर आपके डीएम सिंगल है तो कल रात आपके बारे में क्या सोच रहे थे, इस पता नहीं मेरी डेस्टिनी में ये है भी कि नहीं, पता नहीं ये मुझे मिलेगी कि नहीं, क्या मुझे मतलब डीएफ पे ट्रस्ट करके अपनी न्यू बिगनिंग करनी चाहिए, क्या ये कनेक्शन हमारी किस्मत में है। बहुत खुशी होती है आपके साथ उनको, बट उनको ऐसा लगता है कि नहीं, शायद ये डेस्टिनी में नहीं है, पता नहीं क्यों, क्योंकि शायद उनके फैमिली वाले, उनकी मॉम नहीं चाहती, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा आपसे फिजिकली अट्रैक्टेड है, बहुत ज़्यादा आपके लिए मतलब इमोशनली जुड़े हुए हैं, लेकिन इस पर्सन को अपनी फैमिली भी इम्पॉर्टेंट है, और ये पर्सन अपनी फैमिली को छोड़कर आपके पास नहीं आ सकते। तो इस वजह से ये सोच रहे थे आपके बारे में कि अगर मैं इसको मैरिज का प्रपोजल दूँ तो क्या मेरे फैमिली मुझे साथ देगी, क्या मेरे फैमिली वाले अग्री करेंगे इस बात पे, ठीक है। ये सब सोच रहे थे कि ये आप बहुत लविंग हो, केयरिंग हो, लेकिन क्या उनकी मॉम आपको एक्सेप्ट करेगी। तो बहुत कुछ है बातें गाइस, देखते हैं इसको क्लैरिफाई करके। न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं वो आपके साथ अगर वो सिंगल है तो, बट डर रहे तो सिर्फ अपने पेरेंट्स से, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स और किंग ऑफ कप्स दोनों आया है, और फैमिली का कार्ड भी है, तो इसको मैं मदर फादर की तरह ले रही हूँ कि बहुत ज़्यादा डरते हैं, और उनको ऐसा भी लगने लगा है कि शायद आप अगर डेस्टिनी में होगा तो होगा, क्योंकि यहाँ पर पेरेंटल इश्यूज हो सकते हैं। वो जानते हैं आप एक दूसरे को बहुत ज़्यादा अच्छे से बैलेंस करते हो, आप दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो। जितना एंग्री यंग मैन वो है, उतना लविंग और इमोशनल पर्सन आप हो, तो बहुत अच्छा मिक्स है ये। और उनका सोल जो है जानता है कि वो आपसे प्यार करता है, और वो सुनते भी है अपने दिल की, और वो जानते भी है, लेकिन ये नहीं जानते कि उनके पेरेंट्स उनको ये अलाउ करेंगे कि नहीं, इसलिए बहुत ज़्यादा स्टक फील करते हैं, ठीक है। वो सिर्फ यही ढूंढते रहते हैं एक जगह पे खड़े रहकर कि कोई उनकी मदद के लिए आ जाए, कोई उनको कोई गाइडेंस दे दे जिसके वजह से वो आपके पास आ पाए हमेशा हमेशा के लिए। तो ये मुझे बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा था, फील ये कर रहे थे कि अपनी मॉम को भी खुश रखना चाहते हैं और आपको भी खुश रखना चाहते हैं ये पर्सन, इसीलिए अपने फीलिंग्स अपने पास ही रखते हैं। उनको पता है आप बहुत लविंग हो, पेशेंट इंसान हो, आप उनके लिए वेट करोगे, कभी कभी छुप छुप के बात भी कर लेते हैं जब मौका मिलता है, बट उनको पता है कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर चांस ये है कि वो नहीं चाहते कि ऐसा हो कि बाद में उनके पेरेंट्स के वजह से उनको आपको छोड़ देना पड़े, या उनको आपको हर्ट करना पड़े, या उनको आपके साथ मारपीट करनी पड़े। कहीं ना कहीं ये मैं देख रही हूँ
तो वो ऐसा प्रोजेक्ट करते कि हाँ हाँ ये मेरी हर बात मानती है, मैं बोलूंगा हाँ तो हाँ, मैं बोलूंगा ना तो ना, मैं ही किंग हूँ यहाँ पर। वो मैस्कुलिन फीलिंग आप देते हो उनको लेकिन वो यही सोच रहे हैं अब इसी समय कि चुप ही रहते हैं जब तक मेरे पेरेंट्स अग्री नहीं करते, मैं इसके साथ कुछ नहीं कर सकता और पेरेंट्स को अगर उन्होंने बात नहीं बताई है तो वो बहुत ज़्यादा डर रहे हैं ये बात बताने के लिए कि मेरे पेरेंट्स कैसे रिएक्ट करेंगे अगर मैंने इस लड़की के को उनसे मिलाया तो। उस बात से भी डर है इनको क्योंकि उनकी फैमिली बहुत ज़्यादा अलग है आपसे। और देखते हैं अगर वो मैरिड है तो आपके DM तो क्या सोच रहे हैं, तो सोच रहे कि भाई आप उनके सनशाइन हो, आप वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और ऑब्सेस्ड हो गए हैं, एडिक्टेड हो गए हैं वो आपसे, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि नहीं आपको अपनी लाइफ में इंक्लूड करना चाहिए और आपको नहीं चूज़ किया, कार्मिक को चूज़ किया, इसीलिए उनकी लाइफ में सब कुछ ख़त्म हो गया। और कहीं ना कहीं वो ये भी देख रहे हैं कि आपको ही मिस किए जा रहे हैं, जो भी उनके लाइफ में चल रहा है डिप्रेस्ड है ये, आपको मिस किए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं पेज ऑफ स्वॉर्ड्स डिफ ऐसा इंसान है जो खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा है, जो अटैक्स हो रहे हैं उनके साथ घर पे, जो पर्सनल अटैक्स हो रहे हैं। वैसे तो बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक पर्सन होते हैं DM, लेकिन जब घर वाले उनको के अगेंस्ट हो जाते अपने खुद के, तो उनको नहीं पता होता कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तब वो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं अपने घर वालों के पास। जो उनका इनर सर्कल होता है वो उनको मारे चपेट तो भी कुछ नहीं, लेकिन अगर DF ने कुछ बोल दिया एक लाइन तो भी वो ईगो पे ले लेते हैं, तो ऐसी बात हो जाती है। देखते हैं कि उनकी बीवी ने उनको 4 चपेट मार दी है तो भी कुछ नहीं, उनके बच्चों ने उनकी बेइज्जती कर दी तो भी कुछ नहीं, जो जिनसे वो प्यार करते हैं जैसे हम होते वैसे ही वो होते, तो जैसे हम DM से प्यार करते हैं वो कैसे हमारा कुछ भी बर्दाश्त कर लेते हैं, वैसे DM भी अपने घर वालों के लिए होते हैं। तो क्या सोच रहे थे गाइस वो कल रात को, ये एक बहुत बार कार्ड निकल के आता है कि व्हाई डू यू टेक मी बैक एवरी टाइम। तो अगर मैं सही से बात बोलूं कि तो ये बात वही है जैसे DM है, तो DM बहुत ज़्यादा इमोशनल है, घर वाले उनको 100 बार लात मारेंगे, उसके बाद 100 बार फ़ोन करेंगे तो वो एक्सेप्ट कर लेंगे ना, क्यों करते हैं, क्योंकि प्यार है ना। तो उनको ये क्यों नहीं समझ में आता कि DF को भी है, तो ये बहुत ज़्यादा वो सोचते कि ये मुझसे इतना प्यार क्यों करिए, ये मुझसे इतना प्यार कैसे कर सकती है, सब अजीबो गरीब वहम है उनके दिमाग के। बट खैर उनको ये बात समझ में ही नहीं आती कि ये मुझसे प्यार कैसे कर सकती है, द फर्स्ट पिक्चर इज दैट ओनली। अगर हम इस रीडिंग में वापस आ जाए तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि DM अगर मैरिड है तो DF के बारे में क्या सोच रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल लेडी है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, अपने पावर में रहती है, एम्प्रेस है, फाइनेंशियली स्टेबल है। उसके साथ साथ उनको ये भी फील हो रहा है कि कहीं वो किसी और के साथ तो नहीं चली गई, और वो चीज़ जो है उनको फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड बना रहा है आपके लिए, उनको ऐसा लग रहा है कि इसके पास चली जाओ, ठीक है। ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, ये एम्प्रेस है, ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी है और ये फाइनेंशियली स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करती है, इसको मैं किसी और के साथ नहीं देख सकता, इसका ध्यान नहीं है मेरे तरफ, तो वो आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक करते रहते हैं उनको। पर उनको ये भी डर लगता है कि अगर वो आपके पास वापस आए तो आप जो है उनको पनिश करोगे, उनको नहीं करेंगे हम पनिश, बट उनके अलग ही मतलब किंकी बोलते हैं ना हम, थॉट्स होते हैं इस चीज़ को लेकर कि ये ऐसा मुझे इसने ऐसे पनिश करना चाहिए, अलग ही दिमाग मैंने बोला ना चलता है DM का। तो कहीं ना कहीं उनको ये फीलिंग हो रही है कि कहीं सब कुछ ख़त्म तो नहीं हो गया, तो पीछे से आकर आपको अपनी बातें सुनाना चाहते हैं और समझाना चाहते हैं और ज़बरदस्ती ये कनेक्शन रीस्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि 4 of Cups आया है गाइज यहाँ पर। बहुत ज़्यादा दुखी है ये इंसान, बहुत ज़्यादा दुखी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं वो आपको मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट कर
अट्रैक्टेड हो रहे हैं वो आपसे, और वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं इसके बारे में, डर रहे हैं वो उस चीज से कि मेरे को क्यों वापस से इतना फील हो रहा है इसके लिए, क्यों ऐसे लग रहा है कि जाकर गले लगा लूँ, क्यों ऐसे लग रहा है उनको कि मतलब वो हर एक अपनी फीलिंग से डर रहा है। फिजिकल अट्रैक्शन भी हो रहा है तो मैं नहीं, मेरे को ये अभी चाहिए। ऑब्सेशन भी हो रहा है कि नहीं मुझे ये लड़की चाहिए, ये मेरी है, ये किसी और के साथ नहीं जा सकती। तो बहुत कुछ हो रहा है गाइस यहाँ पर। डीएम की मैरिड भी है तो वो नहीं चाहते कि हम किसी और के साथ मूव ऑन हो जाए, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पर। और एक वियर्ड बात बताऊं गाइस, अगर आपके डीएम आपके तरफ ऐसे फिजिकली अट्रैक्टेड हो जाएंगे ना तो, और बहुत ज़्यादा आपकी तरफ भागने की कोशिश करेंगे और आपको चाहेंगे, तो ऐसा मत सोचना कि आप भी अपने डीएम को ही चाहोगे वैसे, क्योंकि अगर ऐसा होगा ना तो वो बहुत ज़्यादा डीएम आपके पीछे भागेंगे ना, तो आपको कार्मिक के पीछे भागने का मन करेगा। लेकिन ऐसा करना मत, क्योंकि ऐसा करने से आप डीएम एनर्जी में जा सकते हो। अभी देखते हैं गाइस डीएम आपसे क्या कहना चाहते हैं। अगेन सेम थिंग, प्लानिंग माई वे आउट एंड होपिंग दैट यू वॉन्ट रिजेक्ट मी। तो अगर आपके डीएम मैरिड है या सिंगल है, दोनों के लिए सेम ही मैसेजेस आ रहे हैं, अलग से करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए मैंने एंड में किया है प्लानिंग माई वे आउट, तो आ रहे हैं वो, चाहे सिंगल हो चाहे मैरिड हो, वो आपके पास ही आना चाहे। देखिए गाइस अगेन आ रहा है, आई विल कम टू यू इन राइट टाइम। और मुझे अब आ रहा है कि मेरे को ये डेक को अच्छे से शफल करना है। मैं वो कार्ड्स एक्सेप्ट नहीं कर सकती थी, दो मैंने उनको रीड करना चालू कर दिया था, बट मुझे ऐसा लगा कि नहीं एक्सेप्ट करना है। ठीक है अभी ठीक है। अब समटाइम्स माई हार्ट टेक्स फॉर यू एंड आई वॉन्ट यू वॉन्ट टू हैव यू एट एनी कॉस्ट। और किसी भी कीमत पर डीएम को डीएफ चाहिए ही, ये बात अभी बहुत क्लियरली आ रही है। आई थॉट ऑफ स्टेइंग इन क्योस वॉज नॉर्मल, तो मुझे लगता था ऐसी ही रिलेशनशिप्स नॉर्मल होती है, और अच्छी वाली रिलेशनशिप्स फिल्मों में होती है। आई ब्रेक अ लिटिल ईच टाइम आई लेट यू गो, तो साफ साफ कह रहे हैं मेरा भी दिल टूटता है, मैं भी टूट जाता हूँ हर बार जो मैं तुम्हें जाने देता हूँ। आई विश आई कुड सी बियॉन्ड फिजिकल रियालिटी, आई वुड चूज यू, है ना। फिर से आई फील द प्रेशर टू प्लीज यू, तो कहीं ना कहीं उनको बहुत ज़्यादा प्रेशर हो रहा है कि भाई अरे ये कहीं और ना निकल जाए, इसको पकड़ो, इसको प्यार दो, इसको अपने पास रखो, है ना। आई स्टॉक यू ऑन एवरी सोशल मीडिया एंड लीव नो ट्रेसेस ऑफ मी, ठीक है। तो ये है कि वो तो आपको हर सोशल मीडिया पर स्टॉक कर रहे हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय।